नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। विगत कुछ दिनों पहले गम्हरिया के फुटपाथ दुकानदारों से नगर निगम के द्वारा तय कीमत से ज्यादा कीमत वसूली करने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर सभी दुकानदार दुर्गा सोरेन सेना के सरायकेला कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध के लिए जिला अध्यक्ष सनी सिंह का समर्थन मांगा था, जहां पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्गा सोरेन सेना के अध्यक्ष सनी सिंह ने तत्काल शुल्क वसूली करने वाले निगम के ठेकेदारों को कार्यालय बुलाकर बैठक में दुकानदारों का समर्थन देते हुए परिणाम आने तक कोई भी शुल्क नहीं देने का निर्णय किया था, जिसे लेकर 13 सितंबर को जिला कार्यालय में एक बैठक हुई, जहां तमाम फुटपाथ दुकानदारों के साथ स्नेहा एंटरप्राइजेस के ठेकेदार पहुंचे, जहां निर्णय निकला कि पूर्व में बाजार के फुटपाथ दुकानदार 10 रुपए प्रतिदिन का शुल्क देते थे, जो बदस्तूर जारी रहेगा। बिना सूचना के वसूली करने वाले कंपनी को बदला गया है। अब जो वर्तमान में कंपनी अपना काम कर रही है, उसकी सफाई एवं तमाम व्यवस्था को देखने के बाद शुल्क बढ़ाने की बात की जाएगी, जिसके लिए एक महीने का अल्टीमेट दिया गया है। हम लोग पहले सब्जी विक्रेता है, हम लोग सब्जी बेचते हैं, तो कोरोना काल के समय से मैंने मसूल यूजर शुल्क जो था वो बंद था। पहले कोरोना काल ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर चालू हुआ नगर निगम के द्वारा। नगर निगम के द्वारा तो फिर 10 रुपये मसूल चल रहा था, 10 रुपये से एक बैग 20 रुपये कर दिया गया, तो 20 रुपये के चलते हम लोग विरोध किए। विरोध करने के बाद फिर हम लोग दुर्गा सोरेन सेना के ऑफिस में आए। आने के बाद हम लोग अपना जो प्रॉब्लम था उसकी प्रॉब्लम को रखे, रखने के बाद उस पर फिर हम लोग आपस में बैठ करके मतलब आपस में बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद में फिर उसको 20 वाला बंद करके फिर 10 का शुरू किया जा रहा है। शुरू करने के बाद में फिर अब मैंने ये बोलना का है, नगर निगम के जो यूजर शुल्क जो लेते हैं उन लोग को कहना है कि हम लोग साफ सफाई जो कर रहे हैं उसका चार्ज ले रहे हैं। अगर साफ सफाई हम लोग अच्छा विधिवत तरीके से अगर कर रहे हैं तो हम लोग इसका चार्ज लेंगे, अगर इसका हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इसको चार्ज नहीं दे लेंगे। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एक महीना का समय लिए हैं कि हम लोग एक महीना के में शौचालय को चालू करेंगे। अगर एक महीना में शौचालय चालू नहीं हो रहा, पानी की व्यवस्था नहीं हो रहा, तो फिर इस पर हम लोग बैठ करके बात करेंगे। बंद नहीं हुआ था 1/7/2022 को स्नेहा इंटरप्राइजेज को आदित्यपुर नगर निगम से गम्हरिया बाजार का टेंडर हुआ है, जिसका प्रतिलिपि मेरे पास में है। और हम लोग गत उस दिन से शुल्क को लेकर के प्रेशर है सभी छोटे बड़े दुकानदार लोग, जिसमें बीच बीच में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सभी दुकानदार लोग के साथ अभी बैठ करके हम लोग मीटिंग किए हैं, शुल्क निर्धारण हो गया है। छोटा दुकानदार लोग से 10 रुपये हम लोग अभी लेंगे, और आने वाला 15-20 दिन में अगर साफ सफाई की व्यवस्था अच्छा से होता है तो हम लोग 20 रुपये अभी चार्ज कर देंगे। दुर्गा सोरेन सेना की भूमिका है अभी, हाँ, दो दिन पहले सभी दुकानदार लोग दुर्गा सोरेन सेना के जो जिला अध्यक्ष है सनी सिंह जी, उनके पास लोग आया था, उनसे बैठ करके हम लोग का बात हुई और बात बहुत सुचारू रूप से हुआ। सभी दुकानदार के साथ बैठ कर मीटिंग किया गया जिला अध्यक्ष जी के साथ में, और उस पर एक निर्णय निकला है जिसका हम लोग भी पालन कर रहे हैं। और जो मेरा नॉर्म्स है मैं तो उस पर चल रहा हूँ, और अध्यक्ष जी का भी जो आदेश है सभी लोग को बैठ कर जो निर्णय हुआ है उसका भी मैंने पालन कर रहा हूँ। जी, आज हमारे यहाँ पे जिला कार्यालय में कुछ दिन पहले जो समस्या आई थी हमारे भी जो दुकानदारों की और सब्जी विक्रेताओं की, नगर निगम के एक ठेकेदार जो स्नेहा इंटरप्राइजेस, उनके द्वारा 20 रुपया मासूल उठाया जा रहा था, उसका सबने विरोध किया और हमारे पास आए। उस दिन हमने भी जम के विरोध किया था और बोला था कि जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक कोई मासूल नहीं उठाएंगे। तो आज हमारे यहाँ पे बैठ के सब दुकानदारों के साथ में और ठेकेदार के जो सभी आदमी थे उन लोगों के साथ में बात हो गई, तब क्लियर हो गया कि अब 10 रुपये ही मासूल उठेगा, और अगर इनकी विधि व्यवस्था साफ सफाई अच्छी तरह से होगी तो आगे फिर बैठ के बात हो जाएगी और फिर आगे का काम होगा। बाकी साफ सफाई का जो काम है उन लोगों ने भरोसा दिलाया है कि साफ सफाई का काम बढ़िया से होगा। बाजार समिति का भी इसमें मामला पता चला नहीं, बाजार समिति नाम की कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ अभी।
बाजार समिति तो भंग है, और जो वैसा तो हमारे समझ से परे हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।